हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, कल 9 अक्टूबर दिल्ली एयरपोर्ट में लगभग 60 लोग कल फंस गए दिल्ली एयरपोर्ट में। उनका फ्लाइट था दिल्ली टू दुबई और फ्लाई दुबई में वो लोग आ रहा था कल। तो कल दिल्ली एयरपोर्ट मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से कल उन लोगों को बोर्डिंग पास नहीं मिला था क्योंकि उनके पास ICA और GDRF के अप्रूवल नहीं था। दोस्तों, 7 अक्टूबर दो दिन पहले ही दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंसमेंट किया था कि अभी जो लोग दुबई एयरपोर्ट आएंगे, दुबई एयरपोर्ट पर जितने सारे लोग लैंड करेंगे उनके पास ICA और GDRF का अप्रूवल होना चाहिए। मतलब आपका वीज़ा अगर दुबई से इशू है तो आपके पास GDRF का अप्रूवल होना चाहिए। आपके पास वीज़ा अगर दुबई छोड़ के UAE का जो 6 स्टेट्स है, अबू धाबी, शारजाह, रसल कैम, वेलकम, अजमान, फुजीरा, यहाँ से इशू है तो आपके पास ICA का अप्रूवल होना चाहिए, नहीं तो आप दुबई एयरपोर्ट नहीं लैंड कर सकते। तो इसके बारे में जानकारी नहीं था उन सब लोगों को। कल वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर गए थे क्योंकि उनका फ्लाइट था फ्लाई दुबई में। पहले भी बहुत सारे लोग फ्लाई दुबई में एमिरेट्स में ट्रैवल करके दिल्ली लखनऊ से दुबई आए थे, तब तो अप्रूवल का जरूरत नहीं होता था, लेकिन ये अचानक उन्होंने अनाउंसमेंट किया जो दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। तो कल जब वो लोग गए थे दिल्ली एयरपोर्ट गए थे, उस जाने के बाद उनको बोर्डिंग पास नहीं दिया गया है तो उनका जो टिकट का पैसा सारा कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि अभी जो टिकट नॉन रिफंडेबल है। दोस्तों, मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों आप अगर अभी UAE आना चाहते हैं और आपके पास ICA और GDRF के अप्रूवल नहीं है तो आप दुबई एयरपोर्ट मत आइए। दुबई एयरपोर्ट आने के लिए अप्रूवल चाहिए। अभी आप इंडिया से साथ जा सकते हैं। शारजाह एयरपोर्ट अथॉरिटी अनाउंसमेंट किया है कि साथ जाने के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, ICA और GDRF के अप्रूवल की जरूरत नहीं होंगे। और 15 अक्टूबर से आप रसल कैम एयरपोर्ट भी लैंड कर सकते हैं। रसल कैम एयरपोर्ट आने के लिए भी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। मतलब आप UAE आना चाहते हैं और आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आप शारजाह एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप रसल कैम एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे ये जो व्हाट्सएप किया था कल जब उनको जब बोर्डिंग पास नहीं मिला था, तो कल ही उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिला है क्योंकि अभी फ्लाई दुबई वाले अप्रूवल मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक वॉइस क्लिप भी सेंड किया है तो मैं आपको वो भी आपको सुनाऊंगा, वो वॉइस क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार सर जी, इंडिया से बोल रहा हूँ। सर जी, मेरा कल का फ्लाइट था, ये 9 तारीख का फ्लाइट दुबई का, तो इन्होंने अभी अपना अप्रूवल मांग रहा है। कम से कम 60 पैसेंजर होंगे जिसको इन लोगों ने रिटर्न किया कल, बोलते अप्रूवल चाहिए। हम लोग का तो प्योर हेल्थ लैब का PCR टेस्ट भी था हमारे साथ, तब भी नहीं आने दिया। तो दोस्तों, आप UAE रिसेंट वीज़ा होल्डर्स है या आप दुबई रिसेंट वीज़ा होल्डर्स है और आप UAE आने के लिए सोचे वापस आने के लिए, तो आपके पास अप्रूवल है तो आप दुबई एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं। आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आप शारजाह रसल कैम एयरपोर्ट से आ सकते हैं। और जो लोग विजिट वीज़ा होल्डर्स है, जो विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उन लोगों को कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी ICA और GDRF का। और विजिट वीज़ा होल्डर्स वाले दुबई, शारजाह, रसल कैम तीनों एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे अभी पता नहीं है कि दुबई एयरपोर्ट लैंड करने के लिए अप्रूवल चाहिए अभी। तो इस न्यूज़ को दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपकी एक शेयर से बहुत सारे लोगों को जो हेल्प हो सकता है। क्योंकि कल मैं तो इसके बारे में वीडियो दोस्तों 7 तारीख जब दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी अनाउंसमेंट किया था तब भी मैं इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर। लेकिन आप क्या करते हो, आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाते हो, तो इसके वजह से क्या होता है, जो मेरा जो नया वीडियो, नया न्यूज़, वो आप मतलब उसका जो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। तो आप अगर बेल आइकन दबाते हो तो ये मेरा जो अपडेट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मैं सबसे पहले ये जो अपडेट न्यूज़ मैं यूट्यूब पर देता हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएँ। तो दोस्तों, बस और ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगा, आज मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इस वीडियो को दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर करना है इस। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। बस आज के लिए इतना ही। कभी दोस्तों फिलहाल मिलेंगे कोई नए वीडियो, नए अपडेट लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।